नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों 3000 घंटे वॉच टाइम और 500 सब्सक्राइबर में कैसे मोनेटाइज करते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे दोस्तों, और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है। इसके अलावा 3000 घंटे वॉच टाइम में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं और चलते हैं अपने वाईटी स्टूडियो पे। वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेना है दोस्तों, जिससे आपके वाईटी स्टूडियो ओपन कर लें। लेकिन अगर आपका 500 सब्सक्राइबर भी होगा तो आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे अपने डॉलर वाले निशान पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है यूट्यूब पर आता प्रोग्राम, यहाँ पे हमारा जो है 3000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो चुका है और 1000 सब्सक्राइबर जो है जो होता है वो तो आप देख ही चुके हैं कि हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ चुका है, ये और आपको दिखा देते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 3133 वॉच टाइम हुआ है, अभी 4000 नहीं हुआ। तो आपको 4000 में करने के 3000 पे करना है तो किस तरह से करना है वो आप देखते जाइए। और हमको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, पहला तो आपको बता दो, मेंबरशिप का आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि आप ज्वाइन वाला ऑप्शन आता है वो आप अपने चैनल पे लगा सकते हैं, जिससे आप जो भी ज्वाइन करेगा वो कुछ पैसे आपको पे करके ज्वाइन करेगा। दूसरा आपको सुपर थैंक्स या सुपर चैट दे सकता है कोई भी। तीसरा जो है आप अपने वीडियो पे किसी भी प्रोडक्ट का शॉपिंग के लिए ऐड कर लगा सकते हैं, उससे अगर कोई भी वहाँ से ख़रीदता है तो आपको उसका भी कुछ परसेंट पैसा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं किस तरह से आप यहाँ पे कैसे मोनेटाइज करना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं लर्न मोर अबाउट पर। आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 ऑप्शन हो गए आ गए हैं। तो हम जैसे ही पहला ऑप्शन की पूरा कर लेते हैं तो दूसरे पे आना है, दूसरे पर तीसरा, इस तरह से हमको मोनेटाइज करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टार्ट नाउ स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। हम रिव्यू बेस्ड टर्न यानी कि यहाँ से हम अपने चैनल को रिव्यू पे भेज सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर हमारा चैनल चेक होगा। अगर हमने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की होगी यहाँ से हमारा चैनल जो है क्लियरेंस मिल जाएगा, इसके बाद हमारा चैनल आगे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट नाउ वाले पे क्लिक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी दिया होगा कि कितना आपको पैसा मिलेगा, कितना यूट्यूब रखेगा, क्या क्या सुविधाएँ वो आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये सब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप यहाँ पे आइए एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों थोड़ी देर ऐसे प्रोसेस करेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा चैनल जो है रिव्यू पे चला गया है। यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन आ गया है सेटअप आप और एडसन और यूट्यूब, यानी कि आपका न्यू एडसन अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हमें स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन पे देखना है। अगर आपको पहले से कोई यूट्यूब चैनल चल रहा है या एडसन बना हुआ है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ तीसरा वाला पहले वाले ऑप्शन पे, दूसरे वाले पे आप नया एडसन अकाउंट बना सकते हैं। और तो तीसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ कि आपको एडसन अकाउंट की ज़रूरत है या नहीं, उसके लिए यहाँ पे हमको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं गूगल अकाउंट ऑन क्रिएट एडसन यूट्यूब के अगर ये सब लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पे हमको नेक्स्ट पे कर देना है। यहाँ पे नया हमारा अकाउंट बना है ना तो बनना ही बनाना है, तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा इस तरह से प्रोसेस
होगा, उसके बाद एक पैरेट गूगल क्रोम पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने पुराना कोई जीमेल है तो उस पर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नए जीमेल का भी चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एक जीमेल है इसको हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमको कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाए तो दोस्तों अब कंट्री सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी कंट्री है, या हमारा इंडिया है तो हम अपना इंडिया सर्च कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करना है और आगे यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे यहाँ से। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देना है, आप इसे सेटअप अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सेटअप अकाउंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से कुछ ओपन हो के आएगा दोस्तों। यहाँ पे इंडिविजुअल रखना है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है दोस्तों। यहाँ पे हमको एड्रेस भरने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस भर लेना है पूरी तरह से, जो भी नाम है वो रियली नाम रखना है जो बैंक में हो, ताकि आपको पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको तो पूरा एड्रेस भर लेना है, जिस तरह से भर लेना है यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस अपना भर लेना है, और यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जिससे आपको कहीं मंगाने में कोई दिक्कत नहीं। आपका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे आप रह रहे हो वो एड्रेस डालना है, और यहाँ पे नीचे आपको फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है, फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी गलती कर देते हैं थोड़ा सा भी, तो आपको आपका एडसन पिन आने में दिक्कत हो सकती है, जिससे आपका प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, पैसे पिन आने में दिक्कत हो सकती है। जैसे आप इतना पूरा कर लेते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपको पूरा एड्रेस चेक कर लेना है। एक बार चेक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना स्क्रीन शॉट भी ले ले रहा है, आप स्क्रीन शॉट ले लें तो इसको जो है यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जैसे आपको ये पढ़ लेना है अगर पढ़ना है तो, नहीं तो यहाँ पे आपको रीड एड यूट्यूब पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली यूट्यूब स्टूडियो पर ले जाएगा, जहाँ पे आप जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमारा इन प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पे इन प्रोसेस हो जाएगा, और नीचे पे आप देखेंगे इन प्रोसेस गेट रिव्यू का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको रिव्यू पे चला जाएगा। उसके बाद ये कम जैसे आपका आर्टसन अकाउंट ओपन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे गेट रिव्यू पे वाला ऑप्शन पूरा करना है। वो आपको एक से दो दिन लग सकता है वो एडसन पे, तो आपके 102 दिन या एक हफ्ते तक इंतज़ार कर लेना। जैसे आपका पूरा हो जाएगा तो आपको गेट रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका 2 से 3 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जैसे हमारा ये पूरा हो जाएगा दोस्तों, हम आगे आपको बता दें क्या क्या आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।